हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं कि किसी भी ये जो हम डिटरमिनेंट हमने पढ़ा है या मैट्रिक्स पढ़ा है, इसकी क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब कि ये अप्लाई कहाँ कर सकते हैं हम, इसका यूज़ क्या है। तो ना ये जो लीनियर इक्वेशन होती थी हमने 10th क्लास में ना, एलिमिनेशन मेथड और भी दो तीन मेथड थे, मतलब जिससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर वहाँ 2 वेरिएबल होते थे, केवल एक्स और वाई। आप डिटरमिनेंट की मदद से, मतलब ये जो मैट्रिक्स की मदद से, आप कितने भी वेरिएबल हों, 2 वेरिएबल हों, 3 वेरिएबल हों, उन सभी को सॉल्व कर सकते हो इजीली। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो शायद बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा 3 वेरिएबल के लिए, तो इसलिए हम डिटरमिनेंट का यूज़ करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होती हैं, अगर वो कंसिस्टेंट हैं, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसका या तो एक सॉल्यूशन होता हो सकता है या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। और जबकि वो अगर इनकंसिस्टेंट होती, मतलब वो जो सिस्टम होता है इक्वेशंस का वो इनकंसिस्टेंट होता, तो उसका हम कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने लिख रखा है सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, उस कंडीशन में ना सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो इन्होंने इसके लिए आगे हमें थोड़ा सा बता रखा है, यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने इक्वेशंस हमें दिए हैं, इन्होंने जो कांस्टेंट है ना, जो कोफिशेंट है एक्स वाई जेड जो होते हैं, इनके कोफिशेंट इन्होंने यहाँ a1 b1 c1 पहले इक्वेशन के लिए और a2 b2 c2 इस तरह से लिख दिया है। यहाँ वैसे नंबर होंगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमें इसे किस तरह करना होता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ 3 इक्वेशन दे दी हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, सामने ये वैल्यू होगी और ये 3rd इक्वेशन हो गई है। हमें सबसे पहले इन सभी इक्वेशन, मतलब ये जो भी इक्वेशन है, इन्हें मैट्रिक्स में आप बदल लेंगे। तो पहला मैट्रिक्स तो आप इसके कोफिशियंट्स को लेकर बना लेंगे कि a1 b1 c1, पहली रो हो जाएगी, सेकंड के लिए सेकंड, a2 b2 c2, इसी तरह 3rd के लिए। तो हमने इनके कोफिशेंट से एक मैट्रिक्स बनाया है, और फिर इनके वेरिएबल को लेकर, जितने भी यहाँ वेरिएबल होंगे, जैसे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल थे, तो मैंने यहाँ एक्स वाई जेड इस तरह से इन्होंने लिखा है, और एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो सामने इन्होंने वैल्यूज़ दी थी हमें, d1 d2 d3 इक्वेशन की जो वैल्यू आ रही थी सॉल्व करने के बाद, वो वैल्यू जो सामने थी हमने उसे एक 3rd मैट्रिक्स में लिख लिया है। हमेशा इसे कॉलम मैट्रिक्स में लेना है आपको, एक्स वाले को, और ये जो सामने वैल्यूज होती हैं इसी तरह ही आएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं ax इज़ इक्वल्स टू b, ए का मतलब ये नंबर्स थे अभी जो लिखे हैं हमने, बी एक्स और ये b। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम जानते हैं, देखिए पहली रो की फर्स्ट से होगी तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करनी। वैसे आप वापस से मल्टीप्लाई कर कर इक्वेशंस बना सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने आगे दिया है कि केस फर्स्ट, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैंने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए बताया था कि आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का, और अगर ये ज़ीरो नहीं आता, मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं होती, तो इसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए तो देखते हैं फिर आगे क्या करना है। अगर ये नॉन सिंगुलर हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, आंसर आ सकता है इसका। इन्होंने लिख दिया है जैसे कि ये इक्वेशन हमें ऊपर दी थी, ax इज़ इक्वल्स टू b, आपको यहाँ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देनी है लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, क्योंकि ए इस साइड आ रहा है, एक्स के दूसरी साइड है, तो शुरू में आप ए इन्वर्स लगाएंगे, और यहाँ भी ये इन्वर्स से इन्वर्स कैंसिल होकर, मैंने बताया था आई हो जाता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है अगर किसी भी मैट्रिक्स की उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो, और आई को हम 1 की तरह ट्रीट करते हैं तो उसे मल्टीप्लाई में लिखते नहीं हैं। तो जब आप इन सभी की वैल्यू रखते हो, यहाँ एक्स वाई जेड रखोगे एक्स की जगह, तो इसके सामने जो भी वैल्यू होगी आप उसके इक्वल रख सकते हैं, और वही आपके आंसर्स होंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ चुकी होंगी। बट ये केवल आप ना यूनिक सॉल्यूशन के टाइम पर ही कर पाएंगे, अगर हमें मतलब उन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्ट या जो वो मोड सॉल्यूशन वाली कंडीशन थी, उसमें आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब हम आंसर नहीं बता सकते ऐसे देख करके क्या आ रहा है। चलिए मैं इसके थ्रू लिख कर बताता हूँ कि किस तरह से आप बता सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है या मोड सॉल्यूशन है या फिर इनकंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है। चलिए देखते हैं।
तो जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, और हमने इसे पिछली एक्सरसाइज में ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला हमने जाना था कि वो ये होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जॉइंट ए से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इनवर्स निकल जाता है। ये ए इनवर्स की जगह आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और ये क्या आ गया, बी। यहाँ इसे ऐसे लिख रहे हैं आप, एड जॉइंट ए इंटू बी अपॉन दिस। ओके, तो अब देखते हैं जरा किस तरह से हमें बताना है कि इसके यूनिक सॉल्यूशन है, मोड सॉल्यूशन है, या फिर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये जो डिवाइड में है ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपको ये चेक करना है ये 0 के अगर इक्वल ना नहीं हो, मतलब 0 ना आए इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद, कोई नंबर बन जाए प्लस या माइनस में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 0 नहीं आना चाहिए, तब आप इसे कहोगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है इसे, और इस कंडीशन में केवल इसका यूनिक सॉल्यूशन आते हैं, केवल एक ही सॉल्यूशन निकल सकता है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। और इसके बाद सेकेंड कंडीशन देखते हैं, मतलब ये इसमें आप जो आपकी लाइन की इक्वेशन बनने वाली हैं वो 2 लाइन हो 3 लाइन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वो लाइन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काट रही होंगी और वही आपका सॉल्यूशन होगा। आते हैं सेकेंड कंडीशन पर, अगर हमारा ए इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो इसे हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्योंकि देखिए डिवाइड में था, और जब डिवाइड में 0 आ जाता है तो ये इन्फिनिटी की तरह शो करता है, मतलब और इन्फिनिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बट उससे पहले हमें ऊपर वाली डिजिट भी पता होनी चाहिए कि आखिर ये जो ऊपर वाला टर्म है इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर हमारी वैल्यू एडजॉइंट ए इंटू बी ये भी 0 आ जाए, अगर इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि देखिए ऊपर वाला टर्म भी 0 हो गया, नीचे वाला टर्म भी 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0। तो इस कंडीशन में इसके कोई बहुत से सॉल्यूशन हो सकते हैं, आप कोई भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसके बहुत से केस बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं मैनी सॉल्यूशन। और अब देखते हैं इसमें अगर आप इक्वेशन की लाइन को मतलब शो करना चाहें तो किस तरह से बना सकते हैं, जो सारी लाइन है वो एक तरह से एक लाइन के ऊपर से ही तीनों लाइन जा रही हैं, जितनी भी लाइन है तो जितने पॉइंट्स पर वो टच करते हैं उतने सॉल्यूशन आते हैं, तो यहाँ इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन थे। आते हैं थर्ड कंडीशन पर, देखिए अगर ये ए 0 आ जाए और ये जो ऊपर वाला टर्म था मतलब एड जॉइंट ए और इसकी मल्टीप्लाई करें बी से और वो 0 ना आए, तो क्योंकि ऊपर तो 0 नहीं बना, ऊपर कोई नंबर आ रहा है नीचे 0 आ रहा है, तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होते, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट है, नो सॉल्यूशन। तो अब इसकी जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह से जाती हैं, वो सारी लाइनें पैरेलल होती हैं, वो कहीं कैंसिल आउट होती ही नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी नहीं मिलती और नहीं वो टच नहीं करेंगे तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आपको ये इतना समझ आ चुका है तो हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, केवल इसी के थ्रू आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आया है तो इसे एक बार दोबारा से देखें यहाँ तक, और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब मैं आगे सॉल्व कराता हूँ, देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आपको बता रखा है कि आपको केवल जस्ट चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन या नहीं, मतलब आपको 1 से 6 तक के क्वेश्चनों में केवल यही चेक करना है कि ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। तो उसे चेक करने के लिए हमने कुछ रूल पढ़े थे, तो सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन की इक्वेशनों को उतार लिया है। सबसे पहले हम इन्हें चेंज करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। देखिए यहाँ एक्स का कोफिशेंट अगर कुछ नहीं दिया तो 1 मान सकते हैं। आपको यहाँ मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से लिखना है, पहले में ए लिखेंगे 1 2 और 2 3, ये फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा, और दूसरे के लिए आप लिख सकते हैं एक्स। सेकेंड वाले मैट्रिक्स को आप एक्स मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें आप सारे वेरिएबलों को रखते हैं, जैसे कि यहाँ एक्स और वाई है।
और जो थर्ड मैट्रिक्स होता है उसमें ये वाले नंबर जो इक्वल के दूसरी साइड आपको गिवन होते हैं ना, ये वाले नंबर रखते हैं। तो सबसे पहले हमने कोफिशेंट वाले नंबरों को रखा, फिर वेरिएबलों को रखा, और थर्ड वाले मैट्रिक्स में हमने इक्वल के जो सामने नंबर थे उन्हें पुट कर दिया है। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इसे इस तरह से लिखना होगा, एक्स इज इक्वल्स टू बी, मतलब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ये। इसके बाद आपको ए इनवर्ट से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देनी थी, तो हम ए इनवर्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, ये ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये आई हो जाता है, यहाँ इसे मत लिखिए आप डायरेक्ट, ये आ चुका है एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। ओके, और ए इनवर्स के लिए भी आपको चाहिए होता है एडजॉइंट ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या फिर इसे बोलते हो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे कि आगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ डिटर्मिनेंट, ए इज़ इक्वल्स टू, यहाँ आ रहा है 1, 2, 2, 3। सॉल्व कैसे करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ 3 माइनस लगाएंगे फॉर्मूले का, और इसकी इससे मल्टीप्लाई 4 माइनस का 1, सॉरी ये क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आया ना, इसे ऐसे लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ आप आगे शो कर सकते हैं इस तरह से कि ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो जब ये 0 के बराबर नहीं आया तो इसे क्या बोलते हो आप, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ, तो इसे आप कंसिस्टेंट बोलते हैं क्योंकि हम सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, अगर ये 0 आ जाता है किसी वजह से, इसकी वैल्यू अगर 0 आती है, अभी तो -1 आई है ना, अगर ये 0 आ जाती तो आपको ना ये निकालना होता, फिर एड जॉइंट ए निकालते हैं और उसकी पी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पहले मैंने बता चुका हूँ कि उसके मोड सॉल्यूशन होंगे या फिर मतलब सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, वो इनकन्सिस्ट वाली कंडीशन हो जाएगी, उसमें बताएंगे कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकन्सिस्ट है, अगर नीचे 0 आता है और ऊपर वाला टर्म 0 नहीं आता तब है, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन और करके देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। इस तो हम सबसे पहले क्या करना होता है, आपको मैट्रिक्स लिखने होते हैं कि 1, 2, 3, 6, आपने पहला मैट्रिक्स लिखा, और फिर सेकंड आप वेरिएबल के लिए लेते हैं एक एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई, और फिर लेते हैं जो इस इक्वल में वैल्यू थी उसके लिए एक मैट्रिक्स, क्या क्या है यहाँ, 5 और 8। और आप ये जो इक्वेशंस हमें देते हैं आप इन्हें इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, और फिर एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी, इस तरह लिखते हैं। और इसके बाद आपको चेक करना होता है कि जो ए का डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो जैसे कि हम चेक कर सकते हैं 1, 2, 3, 6 के लिए 6 माइनस 6, इसकी मल्टीप्लाई की 6 और इसकी मल्टीप्लाई की ये भी 6, तो इक्वल में आ गया है 0। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो 0 आ गया है, तो हम पहले तो इसे लिख सकते हैं ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और अब ये कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट उसके लिए ना आपको ये एड जॉइंट ए इंटू बी भी निकालना पड़ेगा। अगर ये कभी भी 0 आ जाएगा तो आपको ऊपर वाला टर्म, मतलब जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले एड जॉइंट ए निकालते हैं हम, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी, अगर ये टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, क्या करते हैं आप,
इन्हें तो इंटरचेंज कर देते हैं इस तरह से जो डायगोनल बन रहा है, और इनका साइन चेंज कर देते हैं, तो इंटरचेंज और इनके साइन बदल देंगे, साइन चेंज। ये तो हो गया आपका एडजॉइंट। और जो बी वाला मैट्रिक्स था 5 8, अभी इनकी मल्टीप्लाई कर कर देखेंगे क्या ये भी जीरो आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडजॉइंट ए डॉट बी 6 3 1 मल्टीप्लाई 5 8। तो हम इसकी मल्टीप्लाई जानते हैं कि हम किस तरह से करनी होती है, इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। तो 6 5 हो जाएगा यहाँ 6 5 30, और 6 8 3 8 24। इसी तरह जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे लिखना है 10 प्लस 8। तो यहाँ तो आ रहा है हमारा, ऊपर तो 6 बचा और नीचे बच रहा है -2, तो ये ज़ीरो थोड़ी ना आ रहा है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तब आप कहेंगे कि ये इनकंसिस्ट है, और अगर ये 0 आ जाता तो आप इसे कंसिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम कहने वाले हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्ट, और अगर ये 0 आ जाता तो, क्योंकि 0 बाय 0 की कंडीशन बनती है और उसमें कितने भी सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, जब सॉल्यूशन निकलते हैं तो वो कंसिस्ट की कंडीशन होती है, ठीक है ना। इसे आप इनकंसिस्ट लिखेंगे। तो ये हो चुका है, तो बाकी के पार्ट आप खुद से सॉल्व कर कर देखेंगे। यहाँ इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, जो आप पहला वाला मैट्रिक्स लेंगे तो 1 2 A 1 2 A, और इसके लिए क्या था, सेकंड जो आप कॉलम बनाएंगे यहाँ वाई के लिए 1 मान लेंगे कोफिशिएंट में 1 3 A, और थर्ड वाले के लिए 1 2 2 A, केवल जेड को छोड़ते हैं, उसका जो कोफिशिएंट होते हैं उसे हम मैट्रिक्स में लेंगे, ठीक है ना। तो इसे आप खुद से ट्राई करेंगे, 6 तक ये क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस याद रखना है कि अगर डिटर्मिनेंट ए का 0 आता है तो आपको एडजॉइंट ए निकालना है, उसकी बी से मल्टीप्लाई करनी है, और उसे चेक करना है कि ये 0 आ रहा है या नहीं। 0 अगर वो भी 0 आ जाता है तो हम कह देते हैं ये कंसिस्ट है, और अगर 0 नहीं आता है तो इनकंसिस्ट है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यहाँ हमें सॉल्व करने के लिए बोला ही नहीं क्वेश्चंस को, तो हम सॉल्व केवल तभी करेंगे जब ये कंसिस्ट होंगे। तो चलिए करते हैं इससे सॉल्व, क्योंकि सभी क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। तो मैं इसमें से एक तो 2 वाला कर लेते हैं हम सॉल्व, और एक ये 11 क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व। बाकी का आप ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस की तरह बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो हम जैसे कि क्वेश्चंस लिख चुके हैं 7th क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले इसे हम लिख सकते हैं AX = B की फॉर्म में। और यहाँ ए क्या होगा, ये फर्स्ट ये जो कोफिशेंट वाले नंबर थे इन्हें ले लेंगे 5 7 2 3, और एक्स के लिए क्या लेने वाले हैं हम एक्स वाई, ये जो वेरिएबल थे, और बी के लिए हो जाएगा 4 5। ओके, इसके बाद सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, मतलब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये कैसे निकलता है यहाँ 5 7 2 3, मतलब 15 14 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ ज़रूर लिखना है आपको ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर है, मतलब इन्वर्स इसका फाइंड कर सकते हैं। जब आप इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं ना, उसके बाद आपको लिखना होगा कि आप इस तरह से शो करेंगे इसे, ए इन्वर्स ऑफ बी। अगर इन्वर्स फाइंड ही नहीं हो सकता तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे कभी भी, ठीक है ना। पहले आप इसका ये शो कर लेंगे डिटर्मिनेंट, ए इज़ अ नॉन सिंगुलर, देन उसके बाद X = A इन्वर्स ऑफ B आ जाएगा। अब हम देखिए इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल चुके हैं, हमें एडजॉइंट और निकालना पड़ेगा, तभी तो इन्वर्स फाइंड होता है। तो इसे इक्वेशन मान लेते हैं, और अभी फिलहाल के लिए यहीं छोड़ देते हैं। हम निकालेंगे सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि होगा 2 के लिए तो सिंपल था कि इंटरचेंज और इनका साइन चेंज। तो इसका जब हम इंटरचेंज करेंगे 3 5
माइनस टू माइनस सेवन, सॉरी मैंने साइन भी चेंज कर दिया और इंटरचेंज भी कर दिया, बस इनके साइन चेंज होंगे, ठीक है ना। और ये आने के बाद सबसे पहले हम निकालने वाले हैं इसका प्रोडक्ट, मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी क्या आ रहा है। यहाँ हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं क्योंकि वो जीरो थोड़ी ना आया था। ए इनवर्स किस तरह से निकाला जाता है, पहले तो आप डिटर्मिनेंट को डिवाइड में लिखेंगे, इसके बाद एडजॉइंट ए लिख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वन थी, जो हम ये रही वन जो हम पहले ही देख चुके हैं, तो वन अपॉन वन, इसे तो वैसे लिख कर भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये एथिटिज रहेगा। अगर कोई नंबर होता तो उससे हम डिवाइड कर सकते थे, बट अभी तो ये यही रहने वाला है। 3 2 7 5, देखें आते हैं अपनी इक्वेशन पर। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो थी एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स हमने निकाल लिया है जो कि ये है 3 2 7 5, और यहाँ बी वाला मैट्रिक्स देखेंगे, बी है यहाँ पर 4,5, जो कि हम पहले ही निकाल चुके थे 4,5। मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद सबसे पहले, तो इसकी मल्टीप्लाई रो की कॉलम में, तो 3 6 12 माइनस 10, इसी तरह जब इसकी करेंगे 7 6 28 25। ओके, तो x की जगह आप मैट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं x y, और हमने इसके इक्वल में ये जो सॉल्व कर कर आ रहा है वो भी हम देख चुके हैं, यहाँ है 2 और इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। और हम कह सकते हैं यहाँ x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू माइनस 3, तो यही हमारे आंसर हैं। इस तरह से आप किसी भी मतलब दो वेरिएबल वाले मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे 3 के लिए भी आपको यही करना है, फिर भी चलिए मैं एक क्वेश्चन इसका कराता हूँ। तो ये 8 9 और 10 क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे, 11 वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ इन्होंने 3 वेरिएबल दिए हैं एक्स वाई जेड, तो इसे किस तरह करना है चलिए देखते। तो हमने क्वेश्चन की इक्वेशन जो दी थी हमें, वो हमने लिख ली है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, इन सभी इक्वेशन को एक मैट्रिक्स की फॉर्मेट बनाते हैं और उसके इक्वल मान लेते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं किसी भी इक्वेशन को इस तरह, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, जहाँ ए की वैल्यू कितनी होगी, ए तो हो जाएगा ये जो कॉन्स्टेंट वाले नंबर है ना, हमें वो लेना है। सबसे पहली लाइन के लिए मतलब कॉलम के लिए आप केवल x के कोफिशियंट लेंगे, मतलब 2, और यहाँ x का कोफिशियंट 1 है, यहाँ x है ही नहीं है ना, यहाँ y है, 3 नहीं लेना हमें 1, इसलिए हम 0 ले लेंगे क्योंकि x नहीं है यहाँ पर, तो 0। इसी तरह जो सेकंड हमारी कॉलम आएगी वो y के लिए, y के जो कोफिशियंट है वो लिखे जाएंगे 1 माइनस 2 और 3, और थर्ड के लिए z के जो कोफिशियंट थे वो, तो यहाँ माइनस का 1 लिया जाएगा और यहाँ माइनस 5। ओके, और x वाला जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसमें आप सारे ये जो वेरिएबल थे ये लिख लेंगे, और एक लास्ट b जो हमारा मैट्रिक्स है वो जो इक्वल में वैल्यूज थी ना हमारी, ये आ जाएंगी। तो हम लिख चुके हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा a वाला मैट्रिक्स होता है इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। तो मैं यहाँ फर्स्ट कॉलम के अलोंग निकाल रहा हूँ, तो आप सबसे पहले 2 लिखना, यहाँ कॉलम और रो को मतलब एलिमिनेट कर देंगे, छोड़ देंगे ये वाला पार्ट, तो ये जो छोटा वाला आपके नंबर रह जाते हैं इस तरह, ये चारों नंबर, इसके लिए आप एक और डिटर्मिनेंट बना लेंगे और उसे सॉल्व करते हैं। जब आप सेकेंड नंबर लेते हैं तो माइनस आएगा पहले, देन 1, और अगेन इस बार ये वाली कॉलम छोड़ रो छोड़ देंगे और ये कॉलम, तो रह जाएगा 1 1 3 माइनस 5, और लास्ट वाले के लिए 0, और यहाँ इस बार इन्हें हम एलिमिनेट करते हैं, तो 1 1 2 माइनस 1। तो इस तरह से आ गया है, आप अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी,
पहले माइनस फॉर्मूले का लगाना है, इसके बाद मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। थ्री थ्री वन द थ्री, तो माइनस वन आने, माइनस थ्री आने वाला है, प्लस लिखेंगे इसे। इसी तरह माइनस फाइव माइनस थ्री, और जीरो से मल्टीप्लाई होगी तो ये तो जीरो ही हो गया, ये हो गया 13, और की दो से होगी तो 26, और ये माइनस आठ हो जाएगा, माइनस की माइनस वन से होगी तो प्लस एट, ये हो गया ऐड कर 34। तो क्योंकि ये हमारा जीरो तो आया नहीं है, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। हम पहले कहेंगे कि ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है, इस लाइन के अगर मतलब पेपर में जैसा आता है तो आपका मार्क्स काटा जा सकता है अगर आप ये नहीं लिखेंगे। तो क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, अभी हम शो कर सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, ऐसे लिखा जाएगा। और जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो वो हमारे वेरिएबल की वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स वाई जेड की। तो इसके ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए होता है एक तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे निकालना है? एडजॉइंट के लिए आपको जो मैट्रिक्स ए है उसके सारे कोफैक्टर, सभी एलिमेंटों के लिए कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ कोफैक्टर निकालता हूँ ए वाला, ये जो हमारा मैट्रिक्स था इसके कोफैक्टर। चलिए तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले ए वन वन फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए। देखिए फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, इसे और इसे छोड़ देंगे, मतलब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ माइनस इसकी इससे, देखते हैं क्या आ रहा है। तो 10 और 3, और देखना यहाँ ये जो नंबर होता है ना 1 और 1 2, क्योंकि ये सम कर कर 2 आ रहा है, तब तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर ये ऑड आएगा तो यहाँ नेगेटिव लिखना है अब हमें, ठीक है ना। तो फिलहाल इसकी वैल्यू तो आ चुकी है 13। इसी तरह मैं निकालने वाला हूँ ए 1 2, पहली रो का दूसरा एलिमेंट। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसे और इसे छोड़ देंगे, इन्हें लेना है आपको। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसे, 1 5 5 और ये 0, तो हम इसे लिखेंगे -5 -0, और क्योंकि ये ओड आ रहा है एक माइनस आप बाहर लिख देंगे इस ब्रैकेट के, तो ये हो गया +5। इसी तरह से 1 2 निकालेंगे, 1 2 हो चुका है 1 3। 1 3 के लिए क्या करते हैं आप, ये जो तीसरी कॉलम रो को छोड़ेंगे इसकी, इससे मल्टीप्लाई 3, ये 0 आएगा तो लिख देते हैं 3, और ये पॉजिटिव है क्योंकि 1 और 3 4 होता है, मतलब साइन हमारे हमें चेंज नहीं करना है यहाँ। ओके, इसी तरह इस बार निकाल रहे हैं सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के लिए, मतलब इसके लिए, इसे और इसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, तो देखते हैं क्या आ रहा है। पहले तो 5 और 3 की एक से करेंगे तो माइनस का 3, देखिए क्योंकि ओड नंबर बन रहा है सम कर कर, इसलिए माइनस एक बाहर लगा देंगे, और देखते हैं फिर इसका प्लस, ये आ गया -8, और माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो +8। इसी तरह सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, मतलब इस बीच वाले के लिए, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ 10 0, और ये क्योंकि पॉजिटिव है मतलब बाहर साइन नहीं बदलना हमें, -10 ही रहेगा, तो मैं सभी को लिख देता हूँ। तो ये हम लिख चुके हैं सारे एलिमेंटों को। ओके, अब इसे पुट करते हैं। तो हमने सारे एलिमेंटों को यहाँ, एलिमेंट के जो कोफैक्टर थे वो लिख लिए हैं, इसी को हम एडजॉइंट कहते हैं, बट अभी इसका ट्रांसपोज और करना है। 13 5 3, और ये जो सेकंड वाली रो है ये सेकंड कॉलम में आ जाएगी, 1 3 -5, ये हो चुका है, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया, ठीक है ना। ए इनवर्स के लिए अब आप क्या करेंगे, हम जानते हैं एक्स इज इक्वल्स टू है ए इनवर्स बी, और जबकि ए इनवर्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, और ये बी हमारा पहले से, ए इनवर्स की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए था वो 32 था, 34। तो जैसा कि हम लिख चुके हैं एडजॉइंट है, और ये बी वाला मैट्रिक्स था हमारा।
तो मल्टीप्लाई के लिए हम जानते हैं इस पूरी रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट आ जाएगा। तो करता हूँ मैं 13 की 1 से, तो 13 इसकी जब इससे करोगे 2 से 8 कैंसिल होगा, 4 3 12 9 इस तरह से आ गया। और इसी तरह हम सेकंड वाले की करने वाले हैं, तो 5 यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 5 3 15 9 3 27 और यहाँ 3 1 3 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा, 3 3 9 आएगा, 9 5 45। ओके तो प्लस कर कर देखते हैं क्या आ रहा है। तो मैं इसे सॉल्व कर कर लिख चुका हूँ। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ एक्स के लिए, यहाँ जो एक्स वाला मैट्रिक्स चल रहा था एक्स वाई जेड, और जब हम 34 से डिवाइड करेंगे पहला तो 34 से 34 कैंसिल होगा 1, और ये 17 से कैंसिल हो जाता है 1/2, ये भी 17 3 51 और 17 2 34 इस तरह से आ जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ एक्स की तो वैल्यू 1 हो गई हो चुकी है, वाई की वैल्यू 1/2 और जेड की वैल्यू, यहाँ जेड था सॉरी, जेड इज इक्वल्स टू -3/2, ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही ये बाकी के हमारे आगे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। आप पहले सबसे पहले मैट्रिक्स बनाया कीजिए, ए मैट्रिक्स एक्स वाला मैट्रिक्स मतलब जहाँ वेरिएबल लिखेंगे, और बी के लिए सामने वाली वैल्यूज़। इसके बाद आपको मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब डिटर्मिनेंट, और दूसरे का इसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद जब आप बी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेरिएबलों की वैल्यू आ जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह 13 और 14 होंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं आपके दोनों ही क्वेश्चन 15 और 16। देखिए हमें यहाँ ए मैट्रिक्स इन्होंने पहले से बनाकर दे रखा होता है, तो ये इक्वेशंस हैं जैसे, तो हमें इन्होंने एक्स के लिए पहला कॉलम, वाई वाले के जो कोफिशेंट है उसके लिए दूसरा कॉलम, और जेड के जो कोफिशेंट है उनके लिए तीसरा कॉलम, इस तरह से पहले ही हमें ए बनाकर दिया हुआ है। आप पहले ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे जैसे कि हम करते हैं, इसके बाद जो वैल्यूज़ निकालते हैं हम वेरिएबल्स के, उसके बाद वैल्यू आ जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा जैसा अभी तक हम कर रहे थे। तो मैं इसका 16 क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ हमें इक्वेशंस बनानी होती हैं, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ जाता है मतलब हमें इस तरह लैंग्वेज में दिया हुआ होता है, हमें 3 इक्वेशन जनरेट कर उन्हें सॉल्व करना होता है। जैसा कि इन्होंने दिया है यहाँ कि 4 kg अनियन, 3 kg वीट और 2 kg राइस के लिए इन्होंने कॉस्ट बता रखी है 60 रुपीज़। तो ये एक इक्वेशन हो जाएगी अनियन वीट और राइस के लिए। देखिए एक्स वाई जेड हमारे 3 वेरिएबल बन चुके हैं और इक्वल में लिख लेंगे 60। बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने आगे दिया है 2 kg अनियन, 4 kg वीट और 6 kg राइस के लिए 90 रुपये। तो ये सेकंड इक्वेशन, और इसी तरह थर्ड के लिए 6 kg अनियन दिया है इन्होंने, 2 kg वीट और 3 kg राइस, ये 70 रुपये का आता है। तो आपको कॉस्ट फाइंड करनी है ईच की। तो हम ईच कॉस्ट के लिए मान लेते हैं एक्स वाई जेड, मतलब अनियन के लिए 1 kg अनियन के लिए हम मान लेते हैं एक्स रुपीज़, और वीट के लिए वाई, और यहाँ राइस दिया था इसके लिए जेड रुपीज़। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लिख चुके हैं यहाँ कॉस्ट लिख लिए हमने 1 kg अनियन, 1 kg वीट और राइस के लिए एक्स वाई जेड हमने मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने बोल रखा है 4 kg अनियन मतलब 4x, 3 kg वीट तो 3y, और 2 kg राइस तो 2z इज इक्वल्स टू 60 इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से बाकी दो इक्वेशन जैसे कि हम लिख चुके हैं सेकंड और थर्ड में। तो हमें ईच के लिए सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ये जो हमने इक्वेशंस बनाई हैं इन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ओके हमें इनवर्स वाले से शिफ्ट करने से पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट बताना होगा। मैं पहले ए की वैल्यू बता देता हूँ, ए मैट्रिक्स में क्या क्या नंबर्स यहाँ आ रहे हैं हम जानते हैं। तो एक्स वाले कोफिशेंट पहली लाइन में लिख लेंगे, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हमने एक्स के लिए भी लिख लिया है, और लास्ट बी मैट्रिक्स किस तरह से बनाया जाता है, ये जो डिजिट थे ना हमारे 60 90 70 इन्हें लिख लेंगे। ओके लिखने के बाद सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट किस तरह निकालते हैं, आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रो के अलोंग कर रहा हूँ फर्स्ट, तो 4 आएगा सबसे पहले, और जब इसे और इसे एलिमिनेट कर देंगे तो इस तरह करते हैं कि 4 3 12 तो 6 12 और माइनस लिखना है सबसे पहले, और इसके बाद अपना नेक्स्ट वाला नंबर।
अब आप इसे और इसे एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचा हमारा 2663। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 6 6 36, देन प्लस और ये लास्ट वाला नंबर। इस बार मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है यहाँ 4 6 6 24। ओके 12 से 12 जाएगा ये तो 0 हो गया, और ये 30 बचेगा और 30 90 आ जाएगा। ओके प्लस 90 यहाँ आ जाएगा, ये 20 था, 20 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 40, मतलब इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 50, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर ये नॉन सिंगुलर होता है तो हम इसे इस तरह शो कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ये जो इक्वेशन थी ना हमारी, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी ए को इस तरफ लाएंगे तो इनवर्स बना सकते हैं अब, केवल कब, जब ये 0 नहीं आएगा ये, ठीक है ना। अगर ये 0 आ जाता है तो फिर हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी इसे, तो फिर इन्वर्स कभी फाइंड नहीं होता क्योंकि। तो सबसे पहले हम इसके अब कोफैक्टर्स निकालेंगे सभी एलिमेंट के लिए कोफैक्टर। तो पहले एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट देखते हैं, इसे और इसे छोड़ देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, तो क्या आ रहा है हमारा 12 माइनस 12। और इसका साइन नहीं बदलना क्योंकि ये इवन बन रहे हैं जोड़कर, इसी तरह 0 हो गया ये। 1 2 सेकंड के लिए इसे और इसे एलिमिनेट कर देंगे तो ये आ रहा है 2 3 6 माइनस 6 6 36, और इसका साइन हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि ये ओड बन रहा है, क्योंकि 3 आ रहा है ना, यहाँ आ गया माइनस का 30। इसी तरह हम बाकी ये सारे एलिमेंटों के कोफैक्टर निकालने वाले हैं। तो हम सभी कोफैक्टर निकाल चुके हैं बिल्कुल इसी तरह। अभी क्या करना है, इसे एडजॉइंट ए वाले मैट्रिक्स में पुट कर देना है। तो हम लिख चुके हैं इसे एडजॉइंट की फॉर्म में, अभी इसका क्या करना होता है, इसका ट्रांसपोज और कर देते हैं। यहाँ आएगा 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10, और ये लास्ट वाली कॉलम रो को बदलेंगे कॉलम में, तो 10 20 10। ओके इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारी इक्वेशंस थी ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी, और इनवर्स का वो जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए इंटू बी, वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 50 था, और जब हमने एडजॉइंट निकाल लिया है तो लिखते हैं 0 30 20 5 0 10 10 20 10, और बी के लिए ये जो पीछे मैट्रिक्स हमारा गिवन था हमने निकाला था 60 90 70, ये आ जाएगा, लिखते हैं 60 90 70। ओके तो इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो मैं इसे कर देता हूँ डायरेक्ट, आप जानते हैं। तो हम नंबरों को लिख चुके हैं, अभी इन्हें बस सॉल्व करना है आपको। 700 से 450 माइनस करेंगे आप तो हमारा आ जाएगा 300 250 250। बिल्कुल इसी तरह अगर 1800 से 1400 माइनस होंगे तो 400, और ये 9 और 7 को हम पहले ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1600, 16 में से 1200 घटाएंगे तो ये भी आ गया 400। ओके इसे 50 से डिवाइड कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, ये हमारा एक्स वाला मैट्रिक्स था एक्स वाई जेड, और 50 से डिवाइड करने पर 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बचा है केवल 5, यहाँ 8 और 8। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल चुकी है 5 8, और जेड की वैल्यू थी 8। तो जो हमारा अनियन था वो 5 रुपये पर केजी था, और वीट के यहाँ कॉस्ट दी थी 8 रुपीज़ पर केजी, और ये थर्ड वाला था हमारा राइस के लिए रेट था इसका, तो राइस 1 मतलब 1 केजी जो आता है वो 8 रुपये का आता है। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं फुल एक्सरसाइज। तो इन क्वेश्चनों को करने के बाद लगभग आपके सारे ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। ओके तो थैंक यू, बाय बाय।